अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकार और आपका स्वागत है जायका कुकिंग में। आज हमने लाया है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार आलू और अंडे की भुर्जी। ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार बना है और काफ़ी इजी तरीके से मैंने बनाया है। चलो फिर देखते हैं किस तरह से बनता है। ये मैंने ओनियन यानी कांदे को मैंने चॉप कर लिया है, दो कांदे लिए हैं और दो मीडियम साइज़ के मैंने बटाटे चॉप कर लिए। और ये मैंने हरी मिर्च मैंने 5 से 6 पीस मैंने चॉप कर लिया है और ये एक मीडियम साइज़ के टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं। तो ये सारे हो गए तो इसको हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे ये 5 एग यानी मैंने 5 अंडे लिए हैं इस तरह, इसको भी साइड में रख लेंगे। अब पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम 3 टेबल स्पून ऑयल यानी 3 बड़े चम्मच से हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम ऑनियन को इसमें ऐड करेंगे जो चॉप करके मैंने रखा था। इसके बाद हम इसको हल्का लाइट ब्राउन हम इसको भूनेंगे यानी पकाएंगे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक। इस तरह का जब कलर हो जाए, हम ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ही रखेंगे इसको। इस तरह का जब कलर हो जाए तो इसके अंदर हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे इसको। उसके बाद बटाटों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे, चॉप किया हुआ बटाटा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का इस तरह से भूनेंगे। लमसम 2 मिनट हम इसको इस तरह से भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4। बस आलू को हम गलाएंगे। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद जब इसके पानी ड्राई यानी सूख जाए तब इसको हम खोलेंगे और इसको चलाएंगे और अच्छी तरह से चेक कर लेंगे इसके आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। जब देखेंगे आलू गल गए तो इसके अंदर टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर को भी हम हल्का भूनेंगे इसके साथ, आलू के साथ अच्छी तरह से हम हल्का भूनेंगे इसको। और इसके अंदर हम नमक को भी ऐड कर लेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, हमने 1 चम्मच लिया छोटे चम्मच से। और इसके बाद हम इसको थोड़ा पकाएंगे और इसको हम लमसम इसको भी हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटर है वो नमक की वजह से गल जाए। नमक क्या होता है, जल्दी से टमाटर को गला देता है। तो हम 2 मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर लमसम गल गए हैं दोस्तों। तो अब इसको हम थोड़ा सा और पका देंगे इस तरह से। इस तरह भुनने के बाद अब इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो है अंडा। अंडे को हमने इस तरह से फोड़ लिया, अब सारे अंडे को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अंडे को ऐड करने के बाद हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे, हम हाई फ्लेम पे नहीं चलाएंगे दोस्तों। मीडियम आंच पे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और ये चलाते चलाते धीरे धीरे इस तरह के हो जाएंगे और कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए लगभग अंडा आलू भुर्जी तैयार हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा कच्चे हैं, हम थोड़ा सा और इसको भुनेंगे 2 मिनट। उसके बाद हम 2 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून यानी 2 चम्मच हम बड़े हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम 1 मिनट तक पकाएंगे इसको। 1 मिनट पकाने के बाद अब ये आपका बटाटो एग भुर्जी तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये आपका अंडा भुर्जी, अंडा बटाटो भुर्जी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कितना इजी और कितना सिंपल है, ये देखिए कितना बेहतरीन और कितना मज़ेदार बना है दोस्तों। 5 अंडे में आप उसके अंदर आलू ऐड करेंगे तो खूब सारा और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी
ज़्यादा तैयार हो जाता है दोस्तों, और काफ़ी टेस्टी भी रहता है और काफ़ी मज़ेदार रहता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।